और कृपया बैठने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर लें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब लोग जय जयकारा लगाएं। पूज्य गुरुदेव कबीर साहेब की जय। श्री धर्मेंद्र साहेब की जय। हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय चरणदास जी महंत डॉक्टर और डॉक्टर शिव डहरिया, हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग इस मंच में पधारने की कृपा करें। माला ले आना। मैं डॉक्टर चरणदास जी महंत विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि पूज्य गुरुदेव जी श्री धर्मेंद्र साहेब जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। तत्पश्चात मैं निवेदन करता हूं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी से भी निवेदन करता हूं कि पूज्य गुरुदेव जी का माला से स्वागत करेंगे। तत्पश्चात माननीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री धनेन्द्र साहू जी से निवेदन करता हूं कि पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत करें। साथ में धनराज मध्यानी जी हमारे नगर के अध्यक्ष से भी निवेदन करता हूं कि वो पुष्पमाला से स्वागत करें। आप ताली बजा करके स्वागत करिए। निवेदन है हमारे इस आश्रम में पहली बार हमारे मंत्री और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष पहली बार पधार रहे हैं, तो मैं निवेदन करता हूं। नहीं, आप तो आए हैं लेकिन मंत्री जी नहीं आए। आदरणीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री अबलाज साहेब जी से कई बार अनेकों बार मिल चुके हैं। इलाहाबाद के कबीर आश्रम में भी आपका आगमन हुआ है कई बार, और यहाँ पर जो बाहर खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, काफी जगह है यहाँ पर, वे अंदर आकर बैठ जाएं। और हमारा इसके बाद हमारे यहाँ पर स्वागत गीत का एक कार्यक्रम है, तो हम हमारे गुरु शरण जी से निवेदन करते हैं कि एक स्वागत गीत के बाद हम अतिथि का थोड़ा देर के लिए स्वागत करेंगे, उसके बाद हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। निवेदन है आदरणीय, पहली बार दर्शन है तो प्रेम से बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। स्वागत में आपके हम ये गीत सुनाते हैं। स्वागत में आपके हम ये गीत सुनाते हैं। हे देव अतिथि दे बलकों में बिठाते हैं। हे देव अतिथि दे बलकों में बिठाते हैं। हम आपके
बड़ भागी कहते हैं हे देवती थी देव पलकों में बिठाते हैं गीत के बाद हम निवेदन करता हूं पूज्य गुरुदेव जी से अनुमति लेकर के हमारे अतिथियों का थोड़ा देर के लिए स्वागत करेंगे। एक-एक जने से ही करवा रहा हूं जी। तो मैं निवेदन करता हूं कि संस्थान के कोषाध्यक्ष राधे श्याम साहू जी से कि आदरणीय डॉक्टर महन जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय सीयू डहरिया जी का स्वागत कौशल कुमार साहू जी करेंगे, स्वागत करेंगे। इसके बाद हम निवेदन करते हैं हमारे बीच में आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, विधायक अभनपुर, उनका स्वागत हम यहाँ पर प्रेमलाल जी अगर होंगे तो प्रेमलाल जी आ जाएं, हमारे मेंबर हैं, यहाँ के सदस्य हैं, नहीं तो फिर बसंत साहू जी से निवेदन करता हूँ, हमारे समिति के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि फूलमाला से स्वागत करेंगे। यहाँ पर धनराज मध्यानी जी नगर के अध्यक्ष बैठे हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे बाबूलाल साहू जी हमारे मेंबर हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी बहुत लंबी है, मैं निवेदन करता हूं थोड़ा सा 5 मिनट का समय लूंगा। मैं सबके तरफ से यहां पर एक जन का स्वागत करा देता हूं। सबके तरफ से हमारे समिति की ओर से हम यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में हमारे रतिराम साहू जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महन जी से महन जी का स्वागत करेंगे। ये हमारे समिति की ओर से और सभी हमारे आगंतुक की ओर से स्वागत हो रहा है, आप लोग ताली बजा के स्वागत करें। और सभी का, हमारे कैबिनेट मंत्री जी का, हमारे विधायक जी का और मध्यानी जी का, सभी का स्वागत करेंगे। यहाँ पर स्वागत की लंबी लाइन है, हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे पूरे नगर के काफ़ी पार्षदगण यहाँ उपस्थित हैं। हाँ जी, मैं विचार साहेब जी यहाँ के महंत हैं, उनसे निवेदन कर
मैं आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास महन जी से निवेदन करता हूं कि हमारे संत श्री विचार साहेब जी का स्वागत कर रहे हैं। ताली बजा के स्वागत करिए आप लोग। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य गुरुदेव जी के इजाजत से मैं दो शब्द बोलने के लिए, समय अभाव है, लेकिन इसके पहले मैं निवेदन करूंगा संस्थान की ओर से। मैं एक ज्ञापन सौंपना चाह रहा हूं आदरणीय अतिथि लोग को, तो मैं एक ज्ञापन पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद फिर हमारा अभी दूसरा पंक्ति का प्रवचन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कबीर संस्थान गोबरा नयापारा, ये हमारा 39वां वर्ष है जो हम ये कार्यक्रम लगातार 39 साल से मनाते आ रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी श्री अबलाल साहेब जी के पुण्य प्रताप से यह संस्थान छत्तीसगढ़ के लिए एकमात्र पारक कबीर संस्थान गोबरा नयापारा प्रारंभ हुआ है। इनका 39वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। मैं माननीय शिव डहरिया जी, जो हमारे नगरी प्रशासन एवं श्रम विभाग के मंत्री हैं, उनके लिए एक मांग पत्र हमारे कमेटी की ओर से रखा गया है, उनसे मैं पढ़ के आप लोग को अवगत करा रहा हूँ। श्री कबीर संस्थान नवापारा और 30वां वार्षिक अधिवेशन, अच्छा चलो मैं मांग को ही बता देता हूँ। हालांकि मंत्री जी का काफ़ी पहले हमने निवेदन किया है संस्थान की ओर से, उनके द्वारा हमें आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा, और हमारे इंजीनियर और हमारे नगर के सीएमओ साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके द्वारा इस्टीमेट बनाया गया है। जो मांग पत्र है 7,80,000 का पेवर ब्लॉक इस आश्रम के अंदर लगना है, उसमें 8,98,000 का एक नाली का निर्माण होना है और 31,64,000 का सीसी रोड का निर्माण होना है। तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि ये कार्यक्रम के माध्यम से इस मांग को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इसलिए पूरा करेंगे कि हम पहली बार संस्थान में एक कैबिनेट मंत्री का आगमन हुआ है, उनके लिए ताली बजा के स्वागत करिए। और हमको भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है हमारी मांग को आज इस माध्यम से पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री और माननीय यहाँ इस क्षेत्र के विधायक और इस संस्थान को लगातार समय देते हुए उनका भारी योगदान रहा है, माननीय धनेन्द्र साहू जी से निवेदन करता हूँ कि हमें आकर के दो शब्द अनुग्रहित करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय। आज बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि में आयोजित, हर साल के भांति कबीर संस्थान में आयोजित इस समारोह में परम पूजनीय गुरुदेव श्री धर्मेंद्र साहेब जी, साथ ही कबीर संस्थान नवापारा के सम्मानित अध्यक्ष श्री विचार साहेब जी और हमार विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, साथ ही हमार छत्तीसगढ़ शासन में नगरी प्रशासन मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, हमार नवापारा नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष धनराज मध्यानी जी, साथ ही मंच पर विराजमान इलाहाबाद कबीर पारक संस्थान से ही अध्यक्ष पूजनीय संत श्री कृपाशरण साहेब जी, सूरत गुजरात से पधारे पूज्य संत श्री गुरुभूषण साहेब जी,
अध्यक्ष कबीर पारक आश्रम सूरत, इलाहाबाद से भी पधारे पूज्य संत श्री गुरुदेव जी, साथ ही कबीर आश्रम दिल्ली से पूज्य संत श्री टकसाल साहेब जी, कबीर ब्रह्मचारिणी साध्वी सुमन साहेब जी आश्रम मूरा, कबीर ब्रह्मचारिणी साहब श्रद्धा साहेब जी आश्रम बालोद, कबीर ब्रह्मचारिणी साहब समता साहेब जी आश्रम पोटियाडी, कबीर आश्रम करही बदर संत श्री देवेश साहब जी, साथ ही यहाँ संस्थान के पदाधिकारीगण श्री राधेश्याम साहू जी कोषाध्यक्ष, कौशल साहू जी, मेहतरु साहू जी, प्रेमलाल साहू जी, बसंत साहू जी सहित आए हुए अमर नगर पालिका उपाध्यक्ष चतुर जगत जी और सबो सम्मानित अमर पार्षद गणमन, साथ ही भाई रतिराम साहू जी सहित मंच में विराजमान सब हमर पूजनी संतजन, सभी पूजनी साध्वीगण, सभी ये अंचल से आए हुए सभी सम्मानित भक्तजन, आए हुए सभी सम्मानित यहाँ अतिथिगण, आप सब लमय प्रणाम करत हुए, आप सब ल साहेब बंदगी साहेब। बड़ा सौभाग्य है कि आज हमार प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कोनो मंत्री के पहली बेर आगमन हुए हैं, और वहीं हमार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वैसे तो डॉक्टर महंत साहब के पूर्व में भी आगमन हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष के हैसियत से विधानसभा अध्यक्ष के हैसियत से मगर पहली बार ये संस्थान में आगमन हुए हैं। और आज मैं भी स्वयं अपन आप ला ये संस्थान के एक छोटे से सदस्य के रूप में हमेशा मानत आवत हब, तो पूरा संस्थान के ओर से भी और मोरे ओर से अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के ओर से मगर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हमारे सब अतिथि मन के करत हुए, हमारे सब सम्मानित पूज्य गुरुदेव मन प्रणाम करत हुए, आप सब लमें बहुत बहुत प्रणाम करत हब। आज हम सब मन सदैव जिकर सानिध्य में आज ये पारक संस्थान के रूप में हमारे आश्रम के पहचान आज लगभग 39 साल से है, पर पूजनीय गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी लभी प्रणाम करत हुए कि आज उनकर माध्यम से ही आज पूरा छत्तीसगढ़ अंचल पारक सिद्धांत से हम सब मल्ल अवगत होएन और रास्ता में रहेंगे, गुरु जी के बताए रास्ता में चलें हम सब, और आज ये संस्थान के कार्य क्षेत्र के रूप में आज छत्तीसगढ़ के एक एक गांव के कबीर साहेब की वाणी एक एक जनता तक आज पहुँचत हबे, और आज वही में परम पूजनी गुरुदेव श्री धर्मेंद्र साहेब जी वो परंपरा आगे बढ़ावत हुए, अन्य और भी हमारे सब संत गणमन अभिलाष साहेब जी के परंपरा आगे बढ़ावत हुए, कबीर साहेब जी के परंपरा आगे बढ़ावत हुए आज हमारे पूरा प्रदेश के जन जन तक कबीर वाणी ले पहुँचात है, कबीर के संदेश ले पहुँचावत हबे। और आज निश्चित तौर पे हम सब जानथन ये बात ला, छत्तीसगढ़ में प्राचीन इतिहास उठा के भी देखथन तो दुए ठन धार्मिक विचारधारा रहीस प्रमुख रूप से, एक कबीर साहेब के और दूसरा गुरु बाबा घासीदास जी के, पूरा जनता दुए ठन विचारधारा में ही, अधिकतम जनता दू जन महापुरुष के ही विचारधारा ला मानत आए हबे। आज भले ही बहुत अकन कतकोन धर्म के विस्तार होए है, नाना पंथ के विस्तार होए है, लेकिन आज भी हमन अपन अनुभव से भी, चूंकि हमन खुदे कबीर पंथी हन तो अपन पंथ के तारीफ सबो करते, लेकिन ये बात लभी हमन अनुभव से जीवन में यही बात ले सीखे हबन कि आज धर्म व अध्यात्म के रास्ता में यदि हमला चलना है और कोनो ले चुनना है तो आज भी सब ले सटीक सब ले शाश्वत सत्य के रूप में सदगुरुदेव कबीर साहेब के ही बताए रास्ता ही हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक सर्वोत्तम उपयोगी हम सब मल्ल दिखते, और विशेषकर आज के नवा पीढ़ी ला आज ये बात ला बहुत घर घर तक नवा एक एक परिवार में एक एक व्यक्ति तक नवा पीढ़ी मन तक कबीर साहेब की बात ला और करवानी ला उपदेश ला पहुँचाए की आज जरूरत हबे, जौन ला आज हमार ये आश्रम है पूरी तरह से आश्रम के एक भावना ही है, यही एक मिशन है, यही एक उद्देश्य है कि कबीर साहेब के वाणी
जन जन तक पहुँचे, उनका उपदेश जन जन तक पहुँचे, ओला हमन जीवन में आत्मसात करन और ओला हमन अपन जीवन में अपन आप लग कबीर साहब के बताए रास्ता में चल के अपन जीवन में सुंदर बनावन। और वही आश्रम के लिए मैं चूंकि अधिक कुछ नहीं कहा, हमन कबीर साहब के बारे में यदि कहीं कहबो तो वो सूरज ल दीपक दिखाए के समान है। काबर सब जौन मन अपन जीवन ल समर्पित कर दे हबे कबीर साहब में स्वयं अपन आप ल समाहित कर दे है। ऐसन संत ऐसन गुरुदेव मन जब मंच में बैठे है तो उनकर बारे में और अधिक कुछ कहे की आवश्यकता नहीं है। हमन जौन आश्रम की ओर से मांग रखे गए हैं माननीय मंत्री जी ला, तो मैं भी वही अनुरोध करत हुए कि आज ये आश्रम ऐसे आश्रम है जहाँ से लाखों करोड़ों आदमी के जीवन के निर्माण होते और ये आश्रम के लिए अपन छत्तीसगढ़ सरकार के भरपूर योगदान देवत हुए ये आश्रम के कार्यालय और विस्तार देवत में अपन भी योगदान प्रदान कर ही। यही निवेदन प्रार्थना के साथ में आप सब लमें प्रणाम करत हुए अपन बात नहीं मेरे विराम देवत हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव कबीर साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, आप संस्थान की ओर से जो बात रखे हो कल लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके योगदान तो हमें सदा मिलते हैं, आपके माध्यम से इस संस्थान के उदय हो है। एकर बाद मैं एक निवेदन के साथ, जब तक अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के सरकार है, माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि हमार जब तक सरकार रही, ये पाँचे साल के बात नहीं करता हूँ, जतका दिन ले रही हमन तो 15-20 साल तक के सपना देखा था। काबर की किसान मन के काम करत है, पूरा किसान मन के उदय हो गए है, उद्धार हो गए है। ऐसे भावना ला रख के माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि संस्थान में 3 दिन के जो कार्यक्रम होते हैं जिन लगातार ही समय में होते, उकर बाद मेला प्रारंभ होते, तो अपन समयला पूरा 5 साल के लिए ये समयला बुक कर दें। हमन हर बार निवेदन करके आप मल्ला बुलाबो, अध्यक्ष जी ला बुलाबो और ये संस्थान ला आपके माध्यम से निश्चित रूप से एक एक आगे के कड़ी मिलत जाही। ऐसे निवेदन के साथ मैं माननीय हमर नगरी और एम श्रम मंत्री, बहुत ही ऊर्जावान मंत्री, मैं खुद अपन क्षेत्र के माननीय विधायक और मंत्री है जेकर माध्यम से मैं कह सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि जोन उदार भावना है, जोन जनहित के लिए जोन उदार भावना लेके पूरा छत्तीसगढ़ला और खास तौर पे विधानसभा आरंगला जोन आज पूरा लबालब कर दे, हम छत्तीसगढ़ी में भाषण देवथन तो लबालब मतलब उछलत फेंकत है, ऐसे मंत्री हमला मिले है, आपन ताली बजा के स्वागत करो। और मैं निवेदन करता हूँ माननीय मंत्री जिला कि हमार मांगला पूरा करते हुए अपन बात लभी बाबा गुरु घासीदास और बाबा हमार गुरु कबीरदास जी के वाणीला दू शब्द हमला संबोधित करिए। धन्यवाद। श्री कबीर संस्थान नवपारा राजिम के 38वां वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित आदरणीय पूज्य संत गुरुदेव श्री धर्मेंद्र साहेब जी, अगर साथ आए सबो संत मंडली, हमार इलाहाबाद से आए कबीर पारक संस्थान के अध्यक्ष संत श्री कृपा शरण साहेब जी, सूरत से भी आए हमर आदरणीय संत श्री गुरुभूषण साहेब जी, संत श्री टकसार साहेब जी, साहबी सुमन साहेब जी, साहिबी श्रद्धा साहेब जी, साहेब समता साहेब जी, संत श्री देवेंद्र साहेब जी, हमारे प्रदेश के
ऊर्जावान जो हमला नेतृत्व प्रदान करत है हमारे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री धनेन्द्र साहू जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई धनराज मध्यानी जी, आदरणीय संत श्री विचार साहेब जी, राधेश्याम आदरणीय साहू जी कोषाध्यक्ष है, बने धरे हो ही उपयोग करे लागते होकर बिना काम नहीं चले, आदरणीय मित्र साहू जी, प्रेमलाल साहू जी, भाई बसंत साहू जी, हमार बढ़िया संचालन करत है, हमारा क्षेत्र के भी है, अब पूरा क्षेत्र में किसान मन के मामला ला उठात रहते, हमने लग किसान नेता कथन भाई द्वारका साहू जी नाम अबड़कन है, पढ़त रहे तो बड़ टाइम लाग जाए, तो जेकर जेकर नाम ले हूँ कर सबके स्थान मोर जुबान में है, और जेकर जेकर नाम नहीं ले पाया वो सबके स्थान मोर दिल में है। निश्चित रूप से हमारे देश में बड़े बड़े संत और महात्मा होए हैं, लेकिन आदरणीय प्रातः स्मरणीय कबीर साहब के एक अलग पहचान है, वो समाज में जो कुरीति है, समाज में आडंबर है, उकर ऊपर हमेशा प्रहार करें और हमेशा सत्य के प्रचार के बात का है। निश्चित रूप से जैसा हमारे छत्तीसगढ़ में भी संत हुए है बाबा गुरु घासीदास जी, उकरो भी रास्ता रही सत्य के रास्ता, तो ये जो महान संत हो है उकर वाणी विचार उपदेश हमर जो साहेब जी मैंने उमन भी बताते, तो आज के समय में उकर वाणी विचार और उपदेश है ओला लेके हम चलबो तो समाज के विकास हो ही, प्रदेश के विकास हो ही। और आज हमर छत्तीसगढ़ के सरकार भी संत कबीर जी के रास्ता में चला थे, बाबा गुरु घासीदास जी के रास्ता में चला थे, और निश्चित रूप से हमार आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष जी है वो हमेशा अपर वाणी विचार से हमला प्रोत्साहित भी करत रहते, कबीर जी के वो बड़े भक्त हैं, हमला सब मिलके ये जो महान संत है एकर काम ला आगे बढ़ाए में सहयोग करना चाहिए। जैसे आज हमर कबीर संस्थान नवापारा करत है, बहुत पहले आ रहे हो यहाँ, 25 साल पहले करीब आ रहे हूँ, तो उस समय भी यहाँ कबीर जी के विचार ला आगे बढ़ा के काम चलत रही, जो आज तो एक अच्छा वृहद रूप से काम चलत है। निश्चित रूप से आयोजन जो होते वो बहुत सराहनीय है और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए जेकर से हमारे संत महात्मा मन के वाणी विचार समाज के बीच में फैले और समाज ला ओकर से मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसे आयोजन सार्थक होई सिद्ध होई ऐसे मैं निवेदन करता हूँ। और कबीर संस्थान के विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमार आदरणीय विचारदास साहेब जी जो अध्यक्ष है हमार कबीर संस्थान गोबरानाव पारा के, जो मांग करे हुए हमार आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष जी के भी अनुशंसा है,
तो जतका मांग करे 48,42,000 रुपया के मांग करे है वो सबो काम स्वीकृत करे जाते हैं। एकर अलावा भी अब कभी जरूरत पड़ी तो यहाँ के विकास के लिए कहीं कोई पैसा उसा की कमी नहीं हो का पाए के संस्थान जो काम करत है वो निश्चित रूप से सरकार भी बहुत सारे जो काम करते समाज ला आगे बढ़ाए में समाज ला दिशा निर्देश दे में ओकर से अच्छा काम हमर कबीर संस्थान नवा पारक करत है। तो आज के आयोजन के आप सब ला बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप मन आमंत्रित करे हो कर लिए आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। जोन संस्थान के मांगला हमारा अध्यक्ष जी माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी भी एला अनुशंसित करे है और मांगला आप पूरा करे हो ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन हमार संस्थान की ओर से और हमार पूरा जतका यहाँ भक्तगण बैठे ओकर ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन। एकर बाद बहुत ही आदरणीय जिन लगातार कबीर संस्थान के बारे में सोच रखने वाला कबीर साहेब के बारे में सोच रखने वाला और अनेकों बार श्री अबलाल साहेब जी के सानिध्य में कई बार भेंट करे बर और मुलाकात करे बर और कबीर के बारे में गोष्ठी के रूप में चर्चा करे बर कई बार अपन समय ला दे है ऐसे आदरणीय हमार बीच में विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास जी महंतला में आमंत्रित करता हूँ। ताली बजा के स्वागत करो। आज हमारे बीच में आए हैं ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए संत शिरोमणि साहेब कबीर की जय। जोर से जय। परम पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहेब की जय। सच माने जाए तो हमन अभिलाष साहेब जी के नाम से ही आए। ओकर सुरता ओकर प्रेम ओकर स्नेह ओकर स्पर्श सब हमर बर धरोहर यथाति है और ओकरे नाम से जब हमर भाई साहू जी कहिन कि राजीम नवापारा में जाना है संस्थान में हमर धर्मेंद्र साहेब जी आए हैं तो मैं सिर्फ धर्मेंद्र साहेब जी ला देखे में आया हूँ और ओला देखते देखते अभिलाष साहेब के सुरता करे आया हूँ फोटो देखे आया हूँ। कबीर साहेब के झलक या अनुभूति अभिलाष साहेब जी ला देखे में होत रही थे सिर्फ देखे में। अब तो कोई बाँचे नहीं है हमारे रहा तो अभिलाष साहेब जी की अनुभूति धर्मेंद्र साहेब जी ला देखे में मिल जाए ये सोच के मैं आए हूँ। मैं सब संत साहेब मन के प्रणाम करत हूँ पलगी करत हूँ साहेब बंदगी करत हूँ और विचार साहेब के बंदगी करत हूँ कि हमारे इतना समय दे है हमर भाई साहू जी द्वारका जी एमन सब जो कर लगे हैं वो तो सबके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ आए के पहले मैं द्वारका जी तुर बुलाए के बाद भी मैं हमर साहेब यहाँ के धनेन्द्र साहू जी ला कहें भैया तोर यहाँ बुलात है जाओ कि नहीं तो कहीं नहीं निश्चित आना है साहेब के कार्यक्रम में पहुँचना है तो यहाँ आए हो तो धनेन्द्र साहू जी के बड़ा कृपा है
और तय जो बताए रहे कि हमार मंत्री जी आई तो ओकर से मतलब बहुत खुशी है उस भाई कि आप पधारे हो। शिव डहरिया जी मंत्री तो बाद है, हमर भाई है, दोनों तरफ ले भाई है। कबीर साहेब 600 पहली जो सामान्य रूप से माने जाते हैं भाई, वही कहा था चमक कर या कई जिंद बुरा लग सकते है। कबीर साहेब तो 600 साल पहली आए रही है, ओकर बाद जो आइन ओकर छोटे भाई के रूप में जो यहाँ पूरा प्रचारित हो प्रसारित हो इस वही बात वही कहिन वो बाबा धरा हमर गुरु घासीदास जी आइन। तो दोनों के शिक्षा में, दोनों के चेताए में, दोनों के बताए में कोई खास अंतर नहीं है। वो जमाना बहुत कठिन समय से कबीर साहेब के जमाना है, ये है थोड़ा कम समय से कठिन, मगर सब एक एक काम करे हैं, हमारे समाज ले सुधारे हैं, आदमी मन ले सुधारे हैं, हमन सुधरे हैं। और आज जो प्रदेश है वो हर बहुत कुछ सुधरत जात है। साहेब धर्मेंद्र साहेब जी आज जो सरकार है ना छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, कबीर साहेब की सरकार है। बाबा गुरु घासीदास जी की सरकार है। और ये बात की हमें बहुत गर्व है, महूला गर्व है, दहरिया जिला गर्व है, धनेन्द्र साहू जिला गर्व है, विचार साहेब ला गर्व है। काबर कि हमन चाहतन कि जो छत्तीसगढ़ अभी सही रूप से शांति प्रेम अहिंसा भाईचारा एकता जो साहेब के संदेश से जो चलत रिन है वही में हमन चलाना चाहतन। थोड़ थोड़ बगड़े बने हैं, कहूँ बिगड़े हैं, बोला ठीक करते हुए हमार पूरा रास्ता कबीर साहेब के रास्ता है, हमार पूरा रास्ता गुरु बाबा जी के रास्ता है। और हमला विश्वास है द्वारका जी तोला पता नहीं है कि नहीं, हमला विश्वास है अब इस रास्ता चली। बहुत दिन साहेब मना है, सब ल मैं साहेब बंदगी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साहेब तो हैं ही हैं, धर्मेंद्र साहेब जेकर आशीर्वाद से आज बहुत कुछ संभले है कुछ, नहीं तो अभिलाष साहेब जी के जाए के बाद तो बिखरी गरी से पता नहीं कैसे संभाली ने धर्मेंद्र साहेब जी। हाँ हमार कृपा शरण साहेब जी आए हैं, साहेब बंदी की कर रहा हूँ। गुजरात से भी गुरुभूषण साहेब जी हैं, कबीर आश्रम दिल्ली के तक्षान साहेब जी हैं, हमारे कई जिन ब्रह्मचारी जी साहेब मनाए हैं, सुमन साहेब जी, श्रद्धा साहेब जी, समता साहेब जी और करही के देवेंद्र साहेब जी, यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं आदरणीय भाई रतिराम साहू जी, भाईजीत सिंह साहू जी, चतुर जगत जी, संध्या राव जी, अनूप खरे, सब पार्षद साथी मन, अध्यक्ष मध्यानी जी के साथ ओकर सब साथी मन, हमर संग में दो तीन जिन आए हैं भाई, हरीश भाई, गोपाल भाई, राठौर जी, पांडे जी, हम उनके मन में ज़्यादा कुछ रहे नहीं, सिर्फ देखन हमारे छत्तीसगढ़िया मल्ला और कोई भी आदमी मल्ला महिला मल्ला तो एक और उन्नति थोड़ा सा कैसे हो जाए ये हम उनके विचार रहते हैं। जे मन जो विकास करे हैं, विकास विकास के बात तो नहीं करना चाहते हैं, हमन आम आदमी के और गांव के जो उन्नति अभी तक पीछे रह गए हैं वो उन्नति के समय अब आ है वाला हमन विकास करना चाहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भाई थोड़ा जल्दी मरीन है, जब मैं कहें द्वारका जी पढ़त रिन था कि इहे तय स्वीकृत कर दे तब मजा ही, विधायक जी एक मिनट नहीं लगाई से स्वीकृत करे माँ। अब मैं खुदे कह बहुत कम मांगा थे यार, मतलब ज़्यादा मांगना रही से
तो अभी तुम मतलब पते नहीं है का दे सकते हैं हमारे, तो अगले बार आही तो बढ़िया ज़्यादा मांगिया। ये तो हमारे घर है, पूरा छत्तीसगढ़ घर है, तुम्हारे संस्थान घर है, और विशेष रूप से जो यहाँ हमारे धनेन्द्र साहू जी के प्रेम है, प्यार है, ओकर स्थान है, ओला उन्नति के रास्ता में ले जाए माँ, वहाँ प्रगति करे में मतलब कोई शंका कुशंका कुछ बात नहीं है। हमेशा उत्साह से हमन काम करवो, मंत्री जी मन के काम है निश्चित रूप से करें। मुख्यमंत्री जी के फोटो देखे तो मैं कहें शायद मुख्यमंत्री भी ज़्यादा हाथ हुए तो अभी नहीं आए हैं, बोला जरूर बुला ले हाँ। अब अगले बार मोर फोटो लो भाई, अब के उम्र के हिसाब से लगा हाँ। पहली लड़कई में हमन आने टाइप के कबीरपंथी रहे, जला कबीरा कथे कभी रहा और कभी नहीं रहा, अब हमन सियान हो गए हैं तो हमन पक्का कबीरपंथी हो गए हैं प्योर। और एक बार कबू कबू हमन थोड़ा बहुत साहेब भले नहीं डांटत रिन हो, हमन तो डांट डपट भी देते, गलत होते तो नहीं सहन हो, सही सही होना चाहिए, हर काम सच होना चाहिए, हर आदमी आके सच बोले, सच के राम चले, झूठ लबारी हर हम मन के समझ में नहीं आए। तो यही बात जैसे मैं कहता रहे कि सरकार कभी रहे, अब तुम्हार विधायक जी कभी रहे, तुम्हार मंत्री जी कभी रहे, मैं कभी रहा हूँ, मुख्यमंत्री कभी रहे, होम मंत्री कभी रहे, तो कौन माँ जी तेल बता दें, मुख्यमंत्री गृह मंत्री अध्यक्ष नगर पालिका विधायक और कई जिन विधायक और कोई बाँचे हैं का, सब पट कबीरपंथी। अब ठीक है हमन कबू दामा खेला जाथन, कबू इलाहाबाद चल लेथन, कबू बनारस चल लेथन, और बाहर बाहर ले जो सन साहेब मन आते सबके आदर करथन, कल असंग साहेब बुलाए वहाँ चल लेबो। तो नाम तो अलग अलग है, जगह अलग है, मोर कबीर साहेब अलग है, तुम्हार कबीर साहेब अलग है, कभी मन के कबीर साहेब अलग है, मगर जगह तो एक ही है ना कबीर साहेब के, तो हमन के मन में कोई भेद नहीं है और ना कोई भेद समझिया, हमन ला तो पक्का 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 एक रास्ता समझाना है। और जो रास्ता समझा गए हैं अभिलाष साहेब पारक प्रकाशन के माध्यम से, पारक संस्थान के माध्यम से, उमें तो दिल के रिश्ता है, दिल जहाँ एक बार लग जाते हैं वहाँ अब कौन हटा सके, कोई नहीं हटा सके। और सब जगह शिक्षा जगत है, अलग अलग शिक्षा है, अलग अलग हमन धारण करतन, अलग अलग जातन, मगर सब जगह एक ही बात है, सब जगह आदमी बनाए के बात होते। मैं तो कथा हूँ सामान्य ढंग से कि कबीर साहेब के शिक्षा हर आदमी बनाए के मशीन है, आदमी बनाए के मशीन है। जितका जिन हन कतरा दिन ले हमन बनबो तो पता नहीं, मगर हमन चाहत हन कि पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश, पूरा विश्व जहाँ आज कबीर साहेब के संदेश जात है, ओकरे संदेश की ही जरूरत है, शांति की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है, भाईचारा की जरूरत है, एकता की जरूरत है। और अगर ये रही तो सब जगह सुखी रही, सुख रही, और ये अगर गायब हो गए तो सब जगह ले आनंद गायब हो जाए, सुख गायब हो जाए, और फिर लड़ाई झगड़ा। एक कर कोई सरकारी ये राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर आजकल जो राजनीति चला थे ना तो यह जान बूझ के हम लोग परेशान कर रहे थे। आदमी आदमी के बीच में जो भेद बताए जाते, करिया है, गोरिया है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, तो ये हमारे जितका साहेब री ने बाबा जी के साथ गुरु नानक साहेब, दादू साहेब, हमर बाबा गुरु घासीदास जी, ये मन का इतका दिन ले का करत रहेंगे, ये मन सिखा के गए हैं कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है भाई, सब एक हैं, सब आदमी हैं, सब में एक जीव है, सब में एक आत्मा है, परमात्मा के ही अंश हैं सब, एक ही असन देखा।
अब जबरन के लड़ाई हुई मो, तो ये जो देश के वातावरण जो बिगड़े है, बिगड़त जात है, मैं बोले समझता हूँ कि एला बनाए के पहली जवाबदारी सब कबीर पंथ के मानने वाला मन रहे, कबीर साहेब ला जानने वाला मन रहे, कबीर साहेब ला मानने वाला मन रहे, बाबा जी ला मानने वाला रहे, उतके कस शिव कुमार डहरिया के जवाबदारी है, उतके कस धर्मेंद्र साहेब के है, तो उतके कस हमर धनंजय जी के है, उतके कस मोर है, हमन के जवाबदारी है कि ये वातावरण बिगड़ा जन हमन सुख से रही, आनंद से रही, अच्छा रहे, देश अच्छा रहे, सब उन्नति करें और सब कबीर साहब के रास्ते में चलें। तो आज ये कबीर साहब के रास्ते में चले कि जो आवश्यकता है वो दिख बताए के जवाबदारी हमल रहे, एक बार जित का प्रचार हो सके, कहूँ से प्रचार हो, चाहे दामाखेड़ा से होए, चाहे नवापारा के संस्थान से होए, चाहे कमरदा से होए, चाहे इलाहाबाद से होए, चाहे बनारस से होए, सब जगह कबीर साहब के वाणी के प्रचार प्रसार पूरा के पूरा होत रहे और एला संरक्षक दे संरक्षण दे के जवाबदारी, ओकर संग वो विचार फैलाए की जवाबदारी, पहली जवाबदारी कबीर पंथला कबीर साहेब ला मानने वाला मन के है। इतका मोर निवेदन है आपसे कि जगह जगह ये विचार फैलावा कि हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं भैया, हम अनेक हन, एक जगह हन, एक भाई हन, और यही रास्ता मत हमला भी चलना है और पूरा देश ला चलना है। इतके मोर कहना है। मैं विशेष रूप से गुरु जी से क्षमा चाहता हूँ, धर्मेंद्र साहेब जी से। सच्ची बात तो है, मैं बतात रहे तुला गुरु जी के जाए के बाद मन नहीं लगा आए के उकर रहे में एक अलग अनुभव होए, आनंद होए, अब सुनना लगते इला। अभी आप विचार कर सका था, आप समझ सका था, मैं समझे कोशिश कर सका था, मगर उकर जाए के बाद सुनना है और उकर जगह भरना है, तो उतके प्यार उतके स्नेह से आप पूरा छत्तीसगढ़ में आए भी पढ़ी जाए भी पढ़ी प्यार करे पढ़ी, तो ओकर कमी है थोड़ा बहुत हम महसूस कम हो ही। आप आए हैं, आपके बहुत बहुत स्वागत है, हम आपका सिर्फ आपके दर्शन करे आ रहे हैं, आप लोग देखे आ रहे हैं, आप मन बढ़िया उसने अभी भी बढ़िया रहा, सब जितका साधु संत जी बाहर से आए हैं उनके सबके प्रणाम करते हुए बंदगी करते हुए मैं चाहता हूँ आप सबके स्नेह छत्तीसगढ़ में बने रहे, नवापारा के तुहर विधायक जी साहू जी पर बने रहे, हम मन पर बने रहे, ये आरंग के विधायक जी बने रहे हैं और आरंग बहुत नज़दीक है यहाँ ले पूरा, वो चाहे बाबा जी के नाम से हो चाहे कबीर साहब के नाम से हो, सत्य अहिंसा प्रेम के पुजारी हैं, है मन सन, कोई बाहर के आदमी न है, घर के आदमी हैं, भाई है, तो जो भी ओकर से हो सकत है पूरा प्रदेश में बहुत अच्छा से करें, हमन सब आपके सेवकन। और जहाँ तक मोर बारे में जानता मोर नामे चरण दास है, अंते तो जाना नहीं है तो आप सबला मैं प्रणाम करते हुए आज के जो आनंद है ओकर मैं बहुत मन से खुशी होते मोला प्रणाम करता हूँ, और थोड़ा सा मतलब दुख लगते भाई पूरा जनमान में, यहाँ तो बड़े बड़े संत बंद के आत्मा बसे यार, यहाँ माला पहनाना, यहाँ भजन गवाना, स्वागत गीत गवाना, ठीक थोड़े मत करे करेगा साहब के प्रति आदर, सदगुरु मन के प्रति आदर, हमारे जितका महात्मा मन की हैं तकर प्रति आदर, बाजू में राजीव में बहुत बड़े मेला होना ओकर प्रति आदर, हमन तो आदर भाव से आए, माला पहनाना था फिर मामला गड़बड़ गया था, यहाँ हमल शुद्ध रूप से सामाजिक रिश्ता से एक मानसिक और धार्मिक जो रिश्ता है तेकर नाम से आए दे करा, आप मन जित का स्वागत करना चाहता था, मैं सबके स्वागत स्वीकार करते हुए आप सबके प्रणाम करता हूँ और आप सब लग कहता हूँ कि मोर स्वागत बाहर कर सका था सड़क में, यह मत करिए, आप सब लोग बहुत बहुत प्रणाम है बंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके जन बात ल सुने के बाद ऐसे लगते कि वाकई में पुराना समय याद आ गए, आप मन एक चीज़ ला याद दिलाए हो।
श्री अबलास साहेब जी जब ब्रही से तो वाकई में गला मिल जावे, अब ऐसे लगा कि मैं हूँ कि नहीं हूँ जगह में, ऐसे महसूस हुआ है। वाकई में ये बात एकदम कटु सत्य है। आप मन उल दोहरा के फिर से एक बार हमार मनला विचलित स्थिति में हमन आगे ऐसे लगे थे कि आज फिर हमन वही जगह में खड़े हैं। तो आज मैं निवेदन जेने स्वीकार करे आप मन हाँ ओकर लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। और मात्र आप मन के 10 मिनट समय लूँ, पूज्य गुरुदेव जी कार की भोजन के समय हो गए है, बस 10 मिनट आशीर्वाद के रूप में 5 से 7 मिनट और कम कर देथन, तो 5 से 7 मिनट के समय मैं पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करत हूँ कि सभा में हमला दू शब्द संबोधित करी, ओकर बाद हमन थोड़ा सा स्वागत करबो, ओकर बाद फिर कार्यक्रम भोजन के लिए प्रस्थान करबो। तो मैं निवेदन करता हूँ पूज्य गुरुदेव जी से कि हमला आशीर्वाद वचन दे। साहेब बंदगी साहेब। मंच पर विराजमान मुदमंगलमय संत समाज, सम्माननीय श्री चरणदास जी महंत विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़, सम्माननीय डॉक्टर सी डेहरिया जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सम्माननीय श्री धनेन्द्र साहू जी विधानसभा क्षेत्र के अभनपुर क्षेत्र के विधायक, माननीय मध्यानी जी नवापारा पंचायत के अध्यक्ष, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, माननीय धनेन्द्र जी ने, डॉक्टर सी कुमार डेहरिया जी ने और महन जी ने जो कुछ कहा है उसके बाद कुछ कहने का कुछ बचता नहीं है। आप लोगों ने सदगुरु कबीर और गुरु घासीदास जी की जो देन है समाज के लिए सब कुछ कह दिया है। सदगुरु कबीर और गुरु घासीदास दोनों का संदेश आदमी से आदमी को जोड़ने का है। आदमी आदमी के बीच में जाति को लेकर, वर्ण को लेकर, वर्ग को लेकर, मत मजहब को लेकर जो एक खाई पैदा हो गई थी, दीवार खड़ी हो गई थी, उस खाई को पाट कर, दीवार को ढहाकर आदमी से आदमी को जोड़ने का संदेश है। और आदमी से आदमी जब जुड़ जाता है तो पूरा विश्व अपने आप जुड़ जाता है। हम राष्ट्र की बात बहुत कहते हैं, राष्ट्रवाद की बात बहुत कही जाती है, लेकिन राष्ट्र क्या है? जमीन राष्ट्र नहीं है, पेड़ पहाड़ राष्ट्र नहीं है। यदि जमीन को हम राष्ट्र कहेंगे तो हमें चंद्रमा को भी राष्ट्र कहना पड़ेगा, लेकिन हम चंद्रमा को राष्ट्र नहीं कहते हैं। राष्ट्र है राष्ट्र देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, वे राष्ट्र हैं। यदि उनके प्रति आपस में प्रेम, समता, एकता और भाईचारा का व्यवहार हो जाएगा तो राष्ट्रवाद अपने आप आ जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा। और जब तक हम जाति को लेकर, वर्ण को लेकर, वर्ग को लेकर, संप्रदाय को लेकर, पार्टीबाजी को लेकर के आपस में लड़ते रहेंगे, जबान से राष्ट्रवाद का गीत गाते रहेंगे और राष्ट्र को तोड़ने का काम भीतर भीतर करते रह जाएंगे। इसलिए हम आदमी से आदमी को जोड़ें, बस अपने आप हो जाओ। आदमी से आदमी को जोड़ना,
आदमी के मन में आदमी के लिए प्यार होना और आदमियत का व्यवहार करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी धर्म तो मान्यताएं हैं। कौन किस मत को मानता है, कौन किस मत को मानता है, कौन किसकी पूजा करता है, किसकी आराधना करता है, मठ में जाता है कि मंदिर में जाता है, कि मस्जिद में जाता है, गिरजा में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, ये मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान यह है कि सच्चाई के प्रति, ईमानदारी के प्रति, आदमियत के प्रति उसके मन की भावनाएं कैसी हैं, उसके जीवन का आचरण कैसे है। आदमियत के लिए प्रेम, सद्गुरु कबीर की वाणी का आप पढ़ें तो पूरी कबीर वाणी के केंद्र में है केवल प्रेम और आदमियत। बस ये दो हम अपना लें। अब यही गुरु घासीदास जी का संदेश है, जब ये हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो रही, भौतिक व्यवहार हम करते चले जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है। आज विज्ञान का जमाना है, विज्ञान ने ऐसी ऐसी खोज कर दी है, ऐसे ऐसे मशीनें दे दी हैं, ऐसे ऐसे उपकरण दे दे हैं कि आज पूरी दुनिया आदमी की मुट्ठी में कैद हो गई है। यहीं बैठे बैठे हम दुनिया के किसी कोने में होने वाली घटना को तत्काल देख सकते हैं। यहीं बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में रहने वाले आदमी से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आमने सामने बात कर सकते हैं। आज दुनिया हमारी मुट्ठी में कैद हो गई है। आज विज्ञान ने देश और काल की दूरी को एकदम मिटा दिया है, लेकिन दुर्भाग्य देश और काल की दूरी जितनी मिटती गई, दिल से दिल की दूरी उतनी बढ़ती चली गई। आज आदमी से आदमी का दिल नहीं मिल पा रहा है। वो दिल मिटाने, वो जो दिल से दिल की जो दूरी बढ़ गई है, उसी को मिटाने का काम, वो दिल से दिल को जोड़ने का काम सदगुरु कबीर का और गुरु घासीदास जी का है, गुरु नानक साहब का है, दादू साहब का, दरिया साहब का, जितने संत हैं उनका है। हमारा कर्तव्य होता है कि हमें गुरुजनों से जो मिला है उस पथ पर चलें और सारे भेदभाव को हटाकर प्रेम, समता, एकता, आदर और भाईचारे का व्यवहार करें। गुरु घासीदास जी और सद्गुरु कबीर समाज के जो निम्न कहे जाने वाले वर्ग थे, जिन्हें उस जमाने में आदमी भी नहीं समझा जाता था, वहाँ से निकल कर आए हैं। पूरा संघर्ष उन्होंने किया। आज तो हम सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, उनके जमाने में कौन सुविधा थी। एक अकेले कबीर साहब उस जमाने में जब विज्ञान का कोई आविष्कार नहीं था, कोई आवागमन साधन नहीं था, पूरे भारत में कबीर गूंज गए थे। हमें ये समझना होगा कि आज से 600 साल पहले अकेले कबीर साहब ने जितना प्रचार किया, आज विज्ञान के जमाने पूरे कैरपंथी मिलकर उतना प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, कहाँ गड़बड़ी आ रही है, कहीं ना कहीं हम में कमजोरी आ रही है। हम सुविधा भोगी होते चले जा रहे हैं, अहंकार में डूबते चले जा रहे हैं, मठ मंदिर के विकास में पड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो त्याग चाहिए, जो सेवा चाहिए, जो साधना चाहिए, जो प्रेम चाहिए, वो घट रहा है। आवश्यकता उसी की है। हम भौतिक विकास कितना भी कर लें, लेकिन जब तक त्याग भाव नहीं आएगा, अहम का त्याग, स्वार्थ का त्याग और कर्ता का त्याग, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आवश्यकता उसी में, जो कुछ हमारे मन में है, कुछ अहम भाव है, उसको छोड़ करके सरल बन करके मनुष्यता के साथ प्रेम करने का जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलना होगा हमको। मैं कह रहा था कि अभी महंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज की जो सरकार है यहाँ छत्तीसगढ़ का शासन, कबीर साहब का शासन, गुरु घासीदास जी का शासन है। सचमुच में कबीर साहब ने, गुरु घासीदास जी ने जो कहा है, जाति वर्ग विहीन समाज, वो समाज ये सरकार, वो जो देन है, ये सरकार यहाँ काम कर रही है और हम चाहते हैं काम करें। लेकिन जैसा कहा कि जब तक समाज का जो निम्न वर्ग है वो ऊपर उठेगा नहीं, तब तक हमारा समाज आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। समाज के निम्न वर्ग कैसे उठे,
जिसे हम दलित कहते हैं, शोषित कहते हैं, वो कैसे उठे, उसके लिए सोचना पड़ेगा। और कबीर साहब ने, घासीदास ने उन्हीं के बीच में काम किया, उनको उठाने की आवश्यकता है, उनको गले लगाने की आवश्यकता है। और उनमें जो भी बुराई आ गई है, उन बुराई को भी दूर करने की आवश्यकता, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि महंत जी ने जो कहा और डॉक्टर सिडहरिया जी ने जो कहा उस संदर्भ में कि कबीर साहब के विचार, गुरु घासीदास जी के विचार जो लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उस विचार की धारा को आगे बढ़ाना है और समाज को जोड़ने का काम करना, उठाने का काम करना है, तो यहाँ पर एक प्रकार से मानो छत्तीसगढ़ की पूरी विधानसभा बैठी हुई है, क्योंकि विधायक है, मंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है, बाकी क्या बचा फिर। तो मेरे एक निवेदन है, क्योंकि शासन कबीर साहब का महंत जी ने कहा है, सरकार कबीर साहब के हैं और गुरु घासीदास जी के हैं, और गुरु घासीदास और सदगुरु कबीर दोनों हमें शुद्ध शाकाहार का संदेश देते हैं। मेरा निवेदन है विधानसभा अध्यक्ष से, मंत्री से, विधायक से, स्कूलों में जो अंडे बांटने का जो काम शुरू होना उसको बंद करवाने का। और साथ साथ वर्तमान सरकार जब चुनाव के पहले जब चुनाव हो रहा था, तो वर्तमान सरकार अभी जो जिस पार्टी सरकार है उस पार्टी की ओर से जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसमें लिखा गया था पूर्ण शराबबंदी। हो सकता है इसमें समय थोड़ा समय लगेगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा होनी चाहिए, ये भी मेरी एक ओर से मांग है आपसे। अब यदि ये दोनों हो जाएगा तो हम सचमुच हम चलेंगे, हम कबीर साहब के रास्ते पर चल रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग आए, समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो निवेदन किया इस पर आप कृपया ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आप सब धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव जी के विचार सुन रहे थे। विषय निश्चित रूप से हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी माननीय चरणदास महंत जी और हमारे कैबिनेट मंत्री के विषय पर ही चर्चा हो गया और उस विषय पर एक मांग भी उठ गया, तो ये बहुत खुशी की बात है और निश्चित रूप से सरकार निश्चित इसमें विचार करेगी। मैं इसके बाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का स्वागत हम एकदम छोटा सा इसको स्वीकार करेंगे। श्री विचार साहब जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप श्री फल और पूज्य गुरुदेव जी का, श्री अभिलाष साहेब जी का फोटो हम आदरणीय अध्यक्ष जी को भेंट करने जा रहे हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि इसको स्वीकार करें। उसके बाद मैं हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर शिव डहरिया जी से निवेदन करता हूं। हाँ हाँ दिखा, खोल दो खोल दो खोल देते खोल देना खोल देना दे अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी से निवेदन है कि श्री अभिलाष साहेब जी का फोटो जो हम श्री हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय शिव डहरिया जी को भेंट करने जा रहे हैं उनका फोटो को खोल करके ही भेंट करेंगे। तो निवेदन करता हूं मैं हमारे समिति के सदस्य भाई बसंत साहू जी से कि हमारे मंत्री जी को फोटो एवं श्रीफल साल दे करके भेंट करेंगे। उसको भी खोल दो, खोल दिया ना, इसको भी खोल दिया। हाँ थोड़ा साइड हो जाओ, मैं निवेदन करता हूँ हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में अभी विधायक माननीय धनेन्द्र साहू जी का भी स्वागत हमारे बीच में। हमारे यशवंत साहू जी जो हमारे समिति के मेंबर हैं उनसे निवेदन करता हूं कि भेंट करेंगे। साल 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 और फोटो जल्दी करो। हाँ और पुस्तक साहेब जी को भेंट।
साल दे ना, कोई भी साल दो ना यार, ये क्या गड़बड़ करते रहते हैं। मैं मध्यानी जी के स्वागत के लिए, मध्यानी जी के स्वागत के लिए बसंत साहू जी से निवेदन करता हूं कि वे फोटो और साल से भेंट करके स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करूंगा कि श्री अभिलाष साहेब जी का रचित कुछ पुस्तक हमारे माननीय वर्तमान में अभी हमारे अतिथि माननीय विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महन जी को कुछ पुस्तक भेंट करेंगे जो श्री अभिलाष साहेब द्वारा रचित हैं और श्री धर्मेंद्र साहेब जी द्वारा भी रचित पुस्तक को भेंट करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब शिव डेरिया से निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव जी से पुस्तक भेंट प्रसाद के रूप में ले लेंगे। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी माननीय धनेन्द्र साहू जी से भी निवेदन है कि प्रसाद के रूप में पुस्तक श्री धर्मेंद्र साहेब जी भेंट करेंगे और मध्यानी जी से भी निवेदन है वो भी जा करके पुस्तक श्री अभिलाष साहेब द्वारा रचित पुस्तक को स्वीकार करेंगे। अब एक निवेदन है हमारे अतिथियों से कि एक फोटो सेशन श्री साहेब जी के सामने एक फोटो सेशन हो जाएगा। फोटोग्राफर से निवेदन है कि आप लोग आकर के एक फ़ोटो ले लें, उसके बाद हमारा आज का यह कार्यक्रम प्रथम सत्र का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अभी भोजन का कार्यक्रम होगा, अतिथियों का स्वल्पाहार का भी थोड़ा सा निवेदन पूर्वक हम बात को रख रहे हैं कि हमारा स्वल्पाहार को भी स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। शाम का कार्यक्रम 3 बजे से पुनः प्रारंभ होगा। आप लोग भोजन के पश्चात इसी हाल में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भोजन के लिए विदा लेते हैं और जो हमारे नौजवान साथी हैं